बच्चों को दोनों को ही रात को बुखार ने बुरी तरह घेर लिया है और अब सुबह के 6 बजे दोनों को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। और फिर स्कूल भी इनको आज ही जाना था, अब स्कूल तो मैंने कराया कैंसिल, चलते हैं। दोनों को ही आ गया और बुखार इतना तेज था, बच्चों ने बड़ी मुश्किल से रात निकाली थी। पानी ले लेती हूँ, क्या पता गोली दवाई कुछ देना पड़े। बच्चों को दूध पिलाया है, बाकी जो है पानी की बोतल ले लेती हूँ और इसके साथ ये गिलास ले लेती हूँ और फिर ये सेब और ये चाकू भी ले लेती हूँ। वहाँ पर क्या पता, फिर मुझे खुद भी स्कूल जाना है तो पहले इनकी दवाई पानी करके ही जाते हैं और फोन वोन इसको दे के जाऊँगी। वापस आना पड़ा तो बीच में वापस भी आ जाऊँगी स्कूल से, लेकिन आज इतने दिनों बाद स्कूल ओपन हो रहे हैं ना, तो एक बार जाना जरूरी है। हाफ डे भी जाओ भले, क्योंकि फिर अगर नहीं गए तो पूरी की पूरी छुट्टियां कट सकती है, क्योंकि मेरी तो एक बार कटी हुई है दीपावली की पूरी छुट्टियां, तो मैंने तो भुगता हुआ है। चलो तेजुदी, वालों के नंबर थे मेरे पास, मैंने ट्राई किया, टैक्सी वाला ने उठाया नहीं है, तो पास का ही हॉस्पिटल है वहां जाते हैं। कहाँ गई आज? तो टैक्सी वालों को रात में 2-3 को कॉल किया था, किसी ने भी उठाया नहीं। वापस सुबह कॉल किया मुझे, लेकिन काम नहीं आया। मुट्ठी टाइट बंद कर, मुट्ठी टाइट रख, मुट्ठी टाइट रखेगी इतना ही तेरे को दर्द नहीं होगा। हो गया काम, बस बस दबा के। ये रोया तो नहीं? फालतू, अरे बैठ जा तू, चक्कर आएगा। इतना बहादुर बच्चा है ना, इतना नाटक किस बात का? हम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, दूध पहले डर रही थी, हाथ नहीं लगा तब भी। तो सुबह 6 बजे हम हॉस्पिटल गए थे। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले खून के सैंपल दिए हैं, ब्लड के सैंपल देने के बाद नेहरू नगर में लेबोरेटरी है जहाँ पर जाकर ये करवा के लाई हूँ चेकअप। और उसके बाद डॉक्टर आया है काफ़ी देर से, डॉक्टर के आने के बाद बाकी वाला चेकअप वगैरह करने के बाद देखा है कि दिव्या के थोड़ी सी प्लेटलेट्स कम है, लेकिन डेंगू वेंगू नहीं है। तेजस के प्लेटलेट्स कम नहीं है, इस तरह जो है जो रिपोर्ट आई है वो तो काफ़ी अच्छी है, इतनी डराने वाली नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि आज ये बुखार अगर नहीं उतरता है तो आगे ये थोड़ा घातक हो सकता है। और यहाँ मैं सेव लेके गई थी तो इनको भूख लगी थी, वो खिला रही थी। और एक छोटा सा और क्लिप ले लेते हैं जो कि मैंने कल रिकॉर्ड किया था, इसके बाद हम इसी व्लॉग को आके कंटिन्यू करते हैं। आजकल हमारा तेजस पढ़ता बहुत है भाई, पूरी छुट्टियां निकल गई, होमवर्क किया नहीं, तो अब लास्ट आया तो फिर अब लगे रहता है। स्कूल जाता है तो भी, इन वापस आता है तो भी, इन नहीं जाता था तब भी लगे रहता। आज मुझे बोल रहा था, मम्मा आपकी स्किन काफी रूखी रूखी सी लग रही है, क्या है? तो अब क्या होता है कि दीपावली की सफाई में आप लोग भी लगे हुए थे, मैं भी लगी हुई थी, और उस दौरान जो है इतनी ज़्यादा डस्ट, धूल, मिट्टी अपनी स्किन को फेस करनी पड़ी, चेहरे को, हाथों को, कि उसके बाद आपको भी रूखा रूखा लगा होगा और रफ सी स्किन हो गई है, जो ग्लो था वो चला गया है। तो फिर अब हम फ्री हो चुके हैं दिवाली के बाद, सफाई से पूरी तरह से फ्री हो गए हैं। अब अपना टाइम निकाल के हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने कुछ खरीदा है जो आपके साथ शेयर करूंगी और आपको ट्राई करके भी बताऊंगी कि कैसा है। मैंने अपने लिए 2 प्रोडक्ट मंगवाया है, एक ये ममार्थ का सीत्री फेस मास्क है और इसी के साथ है ये चारकोल फेस वॉश है। तो दोनों में ही चारकोल है और आपको पता है कि अपनी स्किन की जितनी भी गंदगी है, डस्ट है, जो भी पॉल्यूशन से जो असर हुआ है, वो गंदगी निकालने में चारकोल जो है बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और चारकोल खींच के गंदगी को बाहर निकालता है। तो अभी मैंने आपको पहले ये फेस वॉश के बारे में बता देती हूँ। अभी मैंने फेस धोया है इससे और एकदम जो है एक बार धोने के बाद इतना क्लीन क्लीन सा लगता है। तो ये जो चारकोल फेस वॉश है विथ एक्टिवेटेड चारकोल एंड कॉफी, और ये पैराबिन एंड SLS फ्री है, साथ ही साथ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है और ऑयल कंट्रोल करता है। और अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो फिर आप इसको अप्लाई करने के बाद, फेस धोने के बाद, आप कोई मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। तो ये आपका 249 रुपये का आपके पड़ता है 100 ml का पैक, और ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है इसलिए खोलते वक्त आप ऐसे मत रखिएगा क्योंकि पूरा गिर सकता है। अब दूसरा प्रोडक्ट आपको बताती हूँ, ये वाला है C3 फेस मास्क ममार्थ का।
तो इसको मैं अभी लगा के आपको बताती हूँ। C3 मींस इसमें है चारकोल, कॉफी और क्ले, और अपनी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने में ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरह का ये है फेस मास्क, और इसके साथ ये एक स्टेपला फ्री आता है, इसकी हेल्प से आप लगा सकते हैं। और कंटेनर में भी आपने देखा इस तरह के कंटेनर में आता है, और 15 मिनट आपको लगा के रखना है, और फिर आपको पानी से फेस वॉश कर लेना है। इस फेस मास्क को लगाने के बाद फेस पे एक कूलिंग और फ्रेशनेस फील आता है, और चेहरा हाइड्रेट हो जाता है, और सबसे ज़्यादा मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगी है। इन प्रोडक्ट्स पर ये ग्रीन मार्क्स देख के दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट केमिकल फ्री है और 100% नेचुरल है। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आप अमेजॉन, नायका और ममार्थ ऐप से खरीद सकते हैं। और ममार्थ ऐप से खरीदने का फ़ायदा क्या है पता है? अब वहाँ पर जो भी नई नई सेल आती है उससे आप अपडेट रहते हैं और डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि यहाँ बताया गया है GAMU2021, अगर ये यूज़ करेंगे तो आपको ममार्थ.com पर 20% ऑफ मिलेगा। तो यहाँ से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर को लिंक कर दिया जाता है और फिर एक ट्री प्लांट किया जाता है। इस तरह 2025 तक इनका टारगेट है कि ये 1 मिलियन ट्री प्लांट करने हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। ममार्थ के प्रोडक्ट उनकी वेबसाइट और ऐप दोनों पर ही मिलते हैं। ऐप iOS एंड Android दोनों में ही है, जिससे कि आप अर्ली ऑफर और डिस्काउंट अवेल कर सको। ममार्थ ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कूपन कोड भी दे दिया है, आप खरीद सकते हैं। ममार्थ कौन देता है? इसको खुद इतना डर नहीं लगता सुई से, ड्रिप से, या किसी से भी। जब ब्लड सैंपल लिया तब भी इसके ज्यादा कुछ नहीं, और दिव्या को बहुत ज्यादा मतलब डर लग रहा था, ये भी हमें आज ही पता चला। और उसकी जो हो हल्ला सुन के ये कानों के हाथ लगा रहा है कि मेरे से दीदी की आवाज़ें नहीं सुनी जा रही है। और दिव्या सच में फालतू ही ज्यादा ये आवाज़ें कर रही थी, मतलब सुई या ड्रिप पास में भी नहीं लाए थे तब भी बोल रही थी मुझे दर्द हो रहा है। और ये धीरे धीरे बाद में जब ठीक हो गया ना, सेब वगैरह खाई और बातें वगैरह की ना, तो फिर इसने हॉस्पिटल स्टाफ को परेशान करना शुरू कर दिया। पहले एक कंपाउंडर आया, उसको बोला कि आपकी घड़ी बहुत अच्छी मुझे दे दो, फिर डॉक्टर को बोला कि स्टेथोस्कोप मुझे दे दो, और अब यहाँ पर PC पर देखिए क्या कर रहा है। मतलब हर कहीं पर ये बदमाशी करने में जुट गया था। फिर हम घर आ गए हैं अभी, और घर आने के बाद इन बच्चों ने कहा है कि हम पुलाव खा लेंगे, तो मैंने पुलाव में कोई भी मसाला वसाला ज़्यादा नहीं डाला है, तेल का तड़का भी कम लगाया है, और ये बना दिए हैं। और इसके अलावा फ्रूट और सलाद बना के वो बच्चों को अभी नाश्ता करवाना है। नाश्ता करवाने के बाद दवाई देनी है, दवाई भी थोड़े थोड़े गैप से देनी है, एकदम साथ में सारी की सारी नहीं दे सकते। और बीच में किसी का कॉल भी सुबह सुबह आ गया था, तो वो भी काम साथ में ही निपटा रही हूँ। तो इस तरह जो है ये काम सुबह सुबह जल्दी जल्दी करके मुझे अपने टाइम पे स्कूल भी निकलना है। तो सेब है, खीरा है, और इसके साथ ही टमाटर है जो मैंने नहीं काटा था, शिमला मिर्च है जो कि दिव्या को पसंद है, तो ये काट के सलाद बना लिया, लेकिन फ्रीज में रखे हुए थे ना, तो फिर और इनको है ना इतना सा भी छिलका पसंद नहीं है, सारा का सारा निकालना पड़ता है। कभी कभी तो खा लेते हैं, कभी कभी नहीं खाते हैं, तो ये फ्रीज में रखे हुए थे ठंडे है ना, तो मैंने क्या किया इनको काटने के बाद पानी गुनगुना किया और इसके ऊपर डाल के केले भी काट दिए हैं दो, उनके ऊपर ये पानी डाल दिया जिससे कि इनकी जो ठंडक थी ना वो निकल गई है अच्छे से। और अगर आप पानी से ऐसे निकालते हैं तो फिर आपको फिनिश ही करना पड़ता है, फिर अगर आप कुछ बचाते हो ना तो वो थोड़ी देर बाद गल भी सकते हैं। तो ये मैंने इधर रखे हैं, ये मेरे लिए रखा है क्योंकि मेरे लिए खाने को कुछ भी नहीं बना था, लेट भी हो रहा था। पुलाव जो बना है ये भी बाद में बच्चे खोल लेंगे, अभी जो है बनने में देर लगेगी, मैंने CT3 लगा के बंद कर दिया है। और दिव्या को उल्टी ज़्यादा हो रही थी जिसके लिए ये ग्लूकोज दिया है जो दिन में 3-4 बार पीना है, तो एक बार मैं पिला के जा रही हूँ, बाकी मैं बाहर रख के जा रही हूँ ताकि वो पी लेगी। ये मैंने गुनगुना पानी डाल दिया है सलाद में और फ्रूट्स में, तो ये बड़ी मुश्किल से पी रही थी। और वापस आके मैंने दोपहर के बाद आके पूछा कि कितनी बार पिया, तो उसने मुझे झूठ ही बोल दिया था 2 बार, और फिर ज्यादा मैंने बोला तब बता दिया था कि एक बार ही पिया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उल्टी बहुत ज्यादा हो रही थी, हॉस्पिटल के आगे भी 2 बार उल्टी हो गई थी, रात को भी हुई थी, तो उसके लिए ये दिया था। और ये हाथ जो इसने ऐसे रखा है ना, मतलब मैं शाम को आई तब तक उसने हाथ वैसे ही रख रखा था,
और ये तो दवाई काफी आसानी से ले लेता है, लेकिन वो उल्टी जैसा कर देती है या कुछ काफी परेशान करती है। बस ये इस बार हुआ है ज्यादा, तो भगवान टाले कुछ ले जल्दी। छोटे थे तब थोड़े थोड़े बीमार पड़ते थे, तब का अब हम भूल चुके हैं कैसे करते थे क्या करते थे नहीं पता है। तो ये सब कंप्लीट करके थोड़ी थोड़ी देर से रुक के दवाई दे के फिर मैं स्कूल पहुंची और ले ले फटाफट नानी से ही वापस आ जाऊं। वैसे तो जो है इनके फोन वगैरह की सुविधा करके जा रही हूँ, बाकी किसी पे भी कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो ये मैं आ रही हूँ वापस, और वापस आते ही पहले तो चौराहे से मुझे फ्रूट्स लाने हैं क्योंकि बच्चों ने मंगाए हैं। क्या क्या मंगाए हैं इन्होंने? मंगाए हैं अनार, नाशपाती और कीवी, और इसके अलावा इन्होंने मंगाए हैं केले, दिव्या ने केले भी मंगाए हैं। तो ये सारे फ्रूट लेने हैं, अब देखते हैं कौन कौन से मिलते हैं, जिसमें कि नाशपाती का अब सीज़न है नहीं तो वो तो मिल ही नहीं है। कीवी मिल गई हैं और अनार मिल गए हैं, इसके अलावा केले भी ले लिए हैं। और वापस आके अब इनको आते ही नाश्ता करवाना है और देखना है घर जाके कि कैसी स्थिति है अभी बच्चों की, क्योंकि कॉल मैंने ट्राई किया लेकिन कॉल लग नहीं रहा था, कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। ये तो जितना ऐसे लगेगी उतना ही ऐसे रहेगा, तो मैं मना नहीं कर रही, सुबह इसको भी ऐसे चिपका देती, इसको अभी सही कर ले थोड़ी देर से अपने आप ठीक। ये तो ठीक है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ऐसे मुड़ता नहीं, मोड़ेगी नहीं तो नहीं मोड़ेगा। फ़ोन नहीं लगा था, स्विच ऑफ था क्योंकि बच्चे सो रहे थे और इन्होंने चार्ज नहीं किया था। तो फ़ोन अगर लग जाता तो मैं कंफर्म हो जाती तो शायद छुट्टी के टाइम आती, लेकिन फिर मुझे आधे दिन में ही आना पड़ा। बाकी किसी के घर पर होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आते ही मुझे खुद ही बच्चों को नाश्ता वगैरह जो मैं फ्रूट लाई थी बच्चों ने ही डिमांड किया था, और वैसे डॉक्टर ने भी बोला था, तो ये सब खिला के इसके बाद मैंने खिचड़ी और नाश्ता भी बनाया था। यह सब करके तब तक दोबारा नाश्ता करवाया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मैंने शाम की दवाई भी इनको दे दी है। और दवाइयाँ ज़्यादा थी तो कुछ उस टाइम दे दी और कुछ फिर घंटा भर रुकने के बाद दी हैं। और दिव्या की हालत में थोड़ा सुधार आया, ज़्यादा नहीं आया, लेकिन तेजस अब ओके लग रहा है। तो देखते हैं सुबह तक क्या होता है।